एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक और सैंपल पेपर की मदद से डेफिनेटली आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन क्या अभी तक आप एग्जाम्स के लिए पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हैं? आपने अभी तक एनसीईआरटी की बुक प्रिपेयर नहीं करी? कोई भी टिप्स आपके एग्जाम फियर को ओवरकम नहीं कर पा रहे? आपको समझ नहीं आ रहा कि इतने थोड़े वक्त में आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही आपकी सारी समस्याओं का हल है। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसमें चैप्टर वाइज मैंने एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मार्क करे हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप अच्छे से एनसीईआरटी कंप्लीट करें, लेकिन आपके पास अगर टाइम कम है और आपको डर है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिए ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स कम समय में आ जाएं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत इजी है और दोनों कॉमन है। इसी तरह से एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 तीनों ही क्वेश्चन एक पैटर्न के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट सेम पैटर्न के हैं। चैप्टर नंबर 5 के सारे एग्जाम्पल जो स्क्रीन पर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी एग्जाम्पल 2, 3, 4, 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्पल नंबर 1, 4, 5, 6, 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है।